फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू वन. इसको मैंने इक्वल टू y ले लिया, ठीक है. x का डेरिवेटिव इज वन, ठीक है. जहां पे भी x आ गया, फॉर्मूला वगैरह सब कर रहे हुए डायरेक्ट करवा दूं अब मैं. तो डेरिवेटिव y डैश मैंने लिख दिया, यू कैन राइट डाउन dy अपॉन dx ऑल्सो. तो दैट इज इक्वल टू वन. अब एट x इज इक्वल टू वन उसने कहा, तो डेरिवेटिव हमने निकाल लिया. अब यहाँ पे आपके पास x नहीं है, तो दिस विल बी योर आंसर. इन केस यहाँ पे आपके पास x होता यहाँ किसी भी टर्म में, तो आपने उस टर्म में x इक्वल टू वन पुट करके वैल्यू निकाल लेनी थी. सो द डेरिवेटिव ऑफ x इज वन, एट x इक्वल टू वन ऑल्सो दिस इज वन. क्लियर, समझ आ गया ये. थर्ड क्वेश्चन, मैंने अगेन इसको y अज्यूम कर लिया, दिस इज इक्वल टू 99x, फाइंड इट्स डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 100. क्या आएगा डेरिवेटिव? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख लेना. विद रिस्पेक्ट टू x, 99 कांस्टेंट है और x वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने कॉन्स्टेंट एज इट इज ले लेना है. जो भी वेरिएबल का आपका डेरिवेटिव बनता है वो ले लेना है. एक्स का डेरिवेटिव इज वन और इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट. सो दिस विल बी अगेन इक्वल टू 99. एक्स नहीं है यहाँ पे, तो दिस विल बी योर आंसर. बेशक उन्होंने एट एक्स इज इक्वल टू 100 कहा है, बट यहाँ क्योंकि टर्म में एक्स नहीं है, कॉन्स्टेंट आ रहा है आपका डेरिवेटिव, तो द सेम विल बी योर आंसर. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा देख लो. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इज इक्वल टू 100. बुक एक है आपके पास भी? बुक आगे पड़ी हुई है, देख आप पीछे रहे हैं. इधर आ जाओ इस साइड. वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इज इक्वल टू 10. चलो बताओ क्या आएगा डेरिवेटिव. हाँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और कांस्टेंट है तो जीरो. उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब एट x इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ क्योंकि x वाली टर्म है आपकी, तो इसमें आप पुट कर दोगे y डैश एट x इज इक्वल टू 10 इज 2 इंटू 10, दैट इज 20. ठीक है, क्लियर. जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन थे उसमें वहां पे आपका कांस्टेंट आ रहा था, तो एट एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू गिवन थी वहां पे वो एज इट इज आंसर आ गया था. यहाँ पे क्योंकि एक्स है आपका, तो एट एक्स इज इक्वल टू 10 में आप एक्स को रिप्लेस करोगे 10 से एंड यू विल गेट योर आंसर. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल मैम ने बता दिया होगा आपको दैट इज दैट वी आर नॉट टू डू, बट ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट डेरिवेटिव से करेंगे. ठीक है, नॉट यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल बट वी विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कट कर लो, सिंपली फाइंड द डेरिवेटिव रहने दो. सो द फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग एक्स क्यूब माइनस 27. अब इधर से बताने शुरू करो दिवांशी. पावर वन लेस, हाँ, और 27 इज अ कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव विल बी जीरो. सेकेंड पार्ट मन्नत, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो. फर्स्ट मेथड की आप इसमें जो ब्रैकेट्स हैं वो ओपन करके कर लो. सेकेंड मेथड यूजिंग द प्रोडक्ट रूल. अगर पेपर में मेंशनड आता है फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, तो आप इसको फिर ब्रैकेट्स ओपन करके करोगे तो दैट विल बी रॉन्ग. उसमें आपको यू इंटू वी वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा. बट अगर सिंपली लिखा आता है फाइंड द डेरिवेटिव, फिर आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कर सकते हो. तो अभी आप दोनों मेथड से करोगे, ठीक है, यू इंटू वी से भी और डायरेक्ट भी. पहले हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं. डायरेक्ट मेथड मींस ब्रैकेट्स ओपन करके. हाँ जी, किसकी टर्न है? यस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू. अब इसका हमने लेना है डेरिवेटिव.
सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x-3, ठीक है। अब हम करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। हाँ जी, चेन रूल अलग है। हाँ जी, क्या आएगा इसमें अब बताइए। दोनों में से एक टर्म कांस्टेंट, दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी कांस्टेंट पहली का डेरिवेटिव। इन केस अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपकी बढ़ जाती हैं, आपने बस ये याद रखना है एट अ टाइम आप एक का ही डेरिवेटिव लोगे। यहाँ मान लो अगर u इंटू v इंटू w आ जाता है तो u और v दोनों को आप ऐसा कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे, w का डेरिवेटिव लोगे, फिर u और w को कॉन्स्टेंट ट्रीट करके v का डेरिवेटिव लोगे, फिर v और w को कॉन्स्टेंट ट्रीट करके u का लोगे, यानी कि दो कॉन्स्टेंट लोगे और एक का डेरिवेटिव लोगे। अब यहाँ पे टू टर्म्स थी तो एक को कॉन्स्टेंट लिया, एक का डेरिवेटिव, देन दूसरे को कॉन्स्टेंट लिया, पहले वाले का डेरिवेटिव। क्लियर? एट अ टाइम जब भी टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है आप एक ही टर्म का डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए y इज इक्वल टू, दिस इज x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। यू और v लिखवाया मैम ने कि वन और टू लिखवाया? चलो इसको u मान लो, इसको v मान लो। अब बताइए किसकी नेक्स्ट बच्चा कौन है, बता रही है। u into v लगाना है यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हुए, क्या आएगा? u as it is derivative of second term plus, हाँ जी, क्या लिखूं यहाँ पे? इंटू क्यों, एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव क्या होगा? बातें ज्यादा जरूरी है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा और माइनस टू का? माइनस टू का जीरो, तो क्या आ गया यहाँ पे? वन, ठीक है। फिर साइन हमेशा आपने यहाँ पे प्लस का लगाना है। अब सेकंड वाले को कांस्टेंट लेंगे, सेकंड टर्म कौन सी है? x माइनस टू, और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन क्या आएगा? वन आ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करके यू विल राइट डाउन द आंसर, सो दिस इज अगेन 2x-3। तो यू कैन सी कि दोनों तरीके से जो आपका डेरिवेटिव आ रहा है दैट इज सेम, ठीक है। तो अगर तो मेंशनड नहीं है पेपर में फिर आप जैसे मर्जी कर लो, अदरवाइज आपने क्या करना है, जो पेपर में मेंशनड है क्वेश्चन में कि डायरेक्ट मेथड या यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो यू आर टू अप्लाई दैट ओनली। नाउ द थर्ड पार्ट, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये अगेन दो तरीके से हो सकता है, या तो आप डिनोमिनेटर को पावर में ले आओ, अदरवाइज यू कैन यूज यू अपॉन वी, कोशेंट रूल आप यूज कर सकते हो। तो इसको भी हम दोनों तरीके से करेंगे। y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। श्रेया, फर्स्ट मेथड मैं लगा रही हूं यहाँ पे, मैंने इसकी पावर नेगेटिव ले ली। सो दिस इज माइनस टू अपॉन एक्स क्यू, ठीक है। तो कोशिश ये करना जब भी ऊपर कांस्टेंट है और नीचे आपका वेरिएबल गिवन है तो उसको नेगेटिव पावर में लाके आप कन्वर्ट कर लो, वो इजी हो जाता है। अदरवाइज यू अपॉन वी से भी इसको हम करेंगे। हाँ जी, वही करवा रही हूँ। नेक्स्ट कौन है बेटे? अब u यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, फॉर्मूला लिख दो इधर। क्या आएगा?
वी क्या है? हाँ, तो वी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमिरेटर जीरो, एंड यहाँ साइन कोशेंट में हमेशा माइनस का आता है। फिर आगे इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। अब बताइए क्या आएगा? हाँ, 0 हो जाएगा। माइनस 1 इनटू 2x इज माइनस 2x, अपॉन में क्या हो गया? सो कटिंग करके दिस इज अगेन माइनस 2 अपॉन x³। किसको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। डन, क्लियर? फोर्थ पार्ट, x+1 अपॉन x-1। अब वेरिएबल अपॉन वेरिएबल है तो वी विल गो फॉर द क्वेश्चन रूल। हाँ बताओ क्या लिखूं? फॉर्मूला लिखा है? वेरी गुड। ये डैश समझ आ जाएगा डेरिवेटिव के लिए? यू का डेरिवेटिव, यू इज x+1, एक्स एक्स का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव, 1+0 इज, तो फिर यहाँ क्या आ गया? 1 साइन। आगे अब इसको सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज -2 अपॉन x-1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ डन। ये ध्यान से करना थोड़ा। वी आर गिवन x^100 अपॉन 100 प्लस x^99 अपॉन 99, x^98 अपॉन 98 एंड सो ऑन, x²/2 + x+1। हाँ जी, ये हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है तो आई कांट टेक इट एज वाई। अब एफ ऑफ एक्स तो डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे तो दैट विल बी रिटन एज f'(x)। काव्या है इसका नेम? प्लस के साइंस हैं हर एक पे, तो सिंगल सिंगल टर्म हमने डिफरेंशिएट करनी है। क्या आएगा यहाँ पे? x^100 अपॉन 100, 100x 99 पावर में अपॉन में 100, फिर प्लस एंड सो ऑन लास्ट वाली टर्म्स। +0। अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद? x^99, x^98 एंड सो ऑन
एक्स प्लस वन, ठीक है जी। क्या करना है? अच्छा ओके, अब हमें इसमें प्रूफ करना है आगे, एफ डैश वन इज इक्वल टू 100 टाइम्स एफ डैश जीरो। एफ डैश वन का मतलब या एफ डैश जीरो का मतलब, हमने पहले एफ डैश एक्स निकाल लिया, अब एक्स को हम रिप्लेस करेंगे वन से और जीरो से, तो व्हाट विल बी एफ डैश वन? यहाँ वन प्लस वन प्लस वन एंड सो ऑन अप टू वन प्लस वन। अब यहाँ देखो 99 से वन तक कितने वन्स हो गए, 99 से वन तक कितने 99 हो गए और एक ये वाला, तो टोटल कितने हो गए ये 100। सो दिस इज इक्वल टू 100। अब एफ डैश जीरो निकालो, हर एक्स को जीरो से रिप्लेस कर दोगे तो क्या आएगा, ये सारे जीरोस बन गए, रह क्या गया हमारे पास वन। सो दिस इज इक्वल टू वन। अब मुझे प्रूफ करना है दैट एफ डैश वन इज इक्वल टू 100 टाइम्स एफ डैश जीरो, दिस आई हैव टू प्रूव। राइट हैंड साइड ले लूंगी मैं, तो राइट हैंड साइड में 100 इंटू एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो की क्या वैल्यू है, तो दिस इज इक्वल टू एफ डैश वन विच इज आर राइट हैंड साइड। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। इजी है ये क्वेश्चंस, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट किसकी टर्न है, रिद्धि। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द, ये नोट डाउन हो गया, कर दो इरेज। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। हाँ जी, क्या आएंगी, इंटू वन प्लस जीरो, सिट डाउन, ठीक है जी। अब आगे हो सकता है फर्दर सॉल्व के छोड़ दें ऐसे, एन हमें पता नहीं है क्या है, तो दिस विल बी योर आंसर। उसने कहा कि फाइंड दिस फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए, अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए, ए की आप वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल गेट द डेरिवेटिव फॉर दैट स्पेसिफिक वैल्यू, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यू विल डू योरसेल्फ, जैसे हमने x माइनस वन x प्लस वन वाला किया था, सेम उसी तरीके से है, सेकेंड पार्ट वी आर डूइंग। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, किसकी टर्न है? ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। आगे ठीक, सो दिस इज 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 4ab x। अब आप मुझे बताओगे इसी सेम क्वेश्चन को यूजिंग द पावर फॉर्मूला, मैंने ये आइडेंटिटी नहीं ओपन करनी, आई हैव टू यूज द पावर फॉर्मूला, प्रोडक्ट नहीं पावर, जो सबसे पहले x रेज टू पावर n,
हाँ जी, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में तो यू इंटू वी कर लोगे आप इसको पावर वन वन लेके, बट आप मुझे डायरेक्ट मेथड बताओ, पावर आगे ले जाके वन लेस करके क्या आएगा? टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी पावर वन, खत्म के आगे भी करना है, आगे करना है। अब यहाँ पे चेन रूल आपका बन रहा है कि ये फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इसको हम आगे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर अगर वो फर्दर डिफरेंशिएबल होगा तो आगे ऐसा चेन हम एक बना लेते हैं और करते जाते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? प्लस जीरो, ठीक है। सो दिस इज टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू टू ए एक्स। अब ये ब्रैकेट आप ओपन कर लोगे, ठीक है जी, ए स्क्वायर आए, बैठो। नहीं करवाया, ये समझ आ गया, दोबारा देख लो इसको, फिर मैं करवा देती हूँ। जब हमारे पास इस तरीके से आता है तो हम क्या करते हैं, पावर जो है वो आगे ले आते हैं, बैठ जाओ। टू आगे आ गया, मतलब पावर फॉर्मूला आपने पहले लगाना है, टू इंटू जो भी ब्रैकेट में है वो एज इट इज ले लेते हो, फिर क्योंकि ये आपकी फर्दर डिफरेंशिएबल है। अभी हमने क्या किया है, ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली पावर फॉर्मूला लगाया है, जो हमारा ब्रैकेट में है उसको हमने डिफरेंशिएट नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, पावर फॉर्मूला लगाने के बाद जो आपका ब्रैकेट में बच जाता है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, क्लियर? तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव हमने लिया, दैट इज टू ए एक्स। फिर आगे आप ब्रैकेट खोल लो, दो तीन क्वेश्चन इस तरह की मैं करवा देती हूँ, तो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। मान लो मेरे पास है स्टेटमेंट 5x³ प्लस 3x प्लस 2 होल क्यूब, ठीक है। पावर फॉर्मूला लगाओगे, पहले 3 को आगे ले आओगे, यहां क्या बन जाएगा, 5x³ प्लस 3x प्लस 2, ब्रैकेट एज इट इज, 1 पावर लेस कर दोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब क्योंकि ब्रैकेट आपकी फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव, ठीक है, क्या आएगा, कौन सा, ये तो हो गया ना, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, हाँ वो एज इट इज रहेगा, ये तो ये वाली टर्म आपकी ये वाली डिफरेंशिएट हो चुकी है, जो ये ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली था ये डिफरेंशिएट कर दिया हमने, ये बच गया क्योंकि ये फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो हम इसका आगे डेरिवेटिव लेते हैं। कि आगे कैसे, कहाँ पावर वन है, वो तो टू थी तो मैंने वन पे छोड़ दिया, यहाँ थ्री है तो हम टू पे छोड़ देंगे, मान लो पावर 10 है तो 9 पे छोड़ दोगे, ये नहीं है जरूरी कि पावर वन लेके आनी है हमने, जो यहाँ पावर है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर आते हैं, ठीक है। अब फर्दर डिफरेंशिएबल क्या आएगा, फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है जी, क्लियर। एक्चुअल में जो आपने पावर फॉर्मूला किया है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस, उसमें आपको क्यों नहीं पता लगा कि आप डेरिवेटिव ले रहे हो, क्योंकि आपका डेरिवेटिव उसमें 1 बनता है। आपने सबसे पहला मान लो किया कि x^10 का डेरिवेटिव लिया था, क्या लेते हो आप इसका डेरिवेटिव, 10 into, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पावर फॉर्मूला लगाया 10 into x^9, अब ये फर्दर डिफरेंशिएबल है तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, दैट इज 1, तो उसको हम लिखते नहीं है, अदरवाइज वहां पे भी वो डिफरेंशिएट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये वाली टर्म भी क्योंकि आपकी फर्दर डिफरेंशिएबल होती है, बट इसका क्योंकि डेरिवेटिव 1 आता है तो ये वाला स्टेप हम ना शो करके इसको डायरेक्ट ले लेते हैं, बट यही चीज अगर आपकी लेट अस सपोज ऐसे आ जाती है 2x^10, क्या लोगे फिर, पावर आगे आ गई, ठीक है, 2x^9 क्या हो जाएगा, 9, एंड देन इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आ जाएगा,
ठीक है जी, क्लियर है ये इस तरह के? हाँ जी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन इन दिस वे ऑल्सो। पहले इसको ऐसे लिखोगे, अब ये आपका कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लोगे। अब क्योंकि एक्स आपका डेरिवेटिव वन है तो हमने यहाँ छोड़ दिया, इसको सिंप्लीफाई करो, सेम आंसर आएगा। ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9, सेम आ रहे। यहाँ 10 मैंने इधर लिख दिया, यहाँ 10 इधर लिख दिया, अदरवाइज योर आंसर इज सेम। असीस, कंफ्यूजन है कोई तो यू कैन आस्क बेटा, 2-3 क्वेश्चन मैं करवाती हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ जी, बेटे वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा ना। वहां हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो आप शो करो ना करो, 1 × anything is 1, तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये यही छोड़ दो, इस वाले को आप यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है, नो नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। अब ऐसे 2-3 क्वेश्चंस कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3x³ + 4x + 7 raised to power 4 यूजिंग पावर फॉर्मूला ही करेंगे। पहले पावर फॉर्मूला लगाओ, इस पे क्या लगेगा युवराज? हाँ जी, सेम आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पावर क्या हो जाएगी, 3। खत्म के आगे करने, यस। अब क्योंकि ये फिर से डिफरेंशिएबल है तो फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव। हाँ जी, क्या आएगा डेरिवेटिव बेटे इसका? उसको उसको बोलने दो, युवराज की टर्न में। 3x³ का डेरिवेटिव 9x² + 4। अब इसको, यहां मैंने एक गलती की है, क्या यहां पे पावर क्या आनी है, 3। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया कि और करवाऊं इस तरह के? हाँ जी, डन, क्लियर है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थर्ड पार्ट इसका, दैट इज अगेन योर होमवर्क पार्ट। यू बाय वी से करोगे, x - a / x - b। Then moving on to question number 8, x^(n - a)^(n)/x - a, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? लिमिट है आगे, मयंक चलिए बताइए बेटे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। कौन सा लगेगा क्वेश्चन रूल, क्या आएगा? एक्स, हाँ, v as it is, derivative of u, derivative of numerator, x^(n) का derivative will be, power formula लग जाएगा, power आगे आगे। हाँ जी, ये समझ आया, इसका derivative लेना है मुझे, x^(n) का डेरिवेटिव विल बी n × x^(n-1) माइनस का साइन एज इट इज, a^(n) का डेरिवेटिव, क्यों a इज अ कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, उसके बाद ये नेगेटिव साइन, देन u एज इट इज यानी कि न्यूमिरेटर एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा इसका पूरे का? वन, x का डेरिवेटिव वन, a का डेरिवेटिव जीरो। अब अपॉन में x माइनस a होल स्क्वायर, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या बनेगा ये n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस ए एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n अपॉन, सिट डाउन बेटा, x माइनस a होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n वाली टर्म्स में इकट्ठे ले सकती हूँ, कॉमन ले लेंगे x टू द पावर n, तो दिस इज n माइनस वन, अदरवाइज आप यहां तक भी छोड़ सकते हो। सो दिस विल बी योर आंसर। हां जी, कैसे? यू बाई वी में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं लेते, उसको सिर्फ हम स्क्वायर करते हैं, जो भी डेरिवेटिव लेने हैं वो ऊपर लेते हैं, ठीक है, नीचे कभी भी डेरिवेटिव नहीं लेने। चलिए अब नेक्स्ट वन, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट होमवर्क से ऑरली भी बता सकते हो इसका डेरिवेटिव, 2x माइनस 3 बाय 4 का डेरिवेटिव इज 2। अगला करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ये कर दो ही रेस, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, चेन रूल प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे, किसकी टर्न है? क्या लगाएंगे यहाँ पे? U as it is, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन क्या आएगा? x का डेरिवेटिव इज और 1 का डेरिवेटिव इज 0, तो यहाँ क्या आ गया 1, उसके बाद साइन इज ऑफ प्लस, देन क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 5x क्यूब का डेरिवेटिव, लेट अस फिनिश दिस क्वेश्चन, अब आगे ब्रैकेट्स ओपन करके यू विल सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर, सिट डाउन बेटे। अब जो कैंसिलेशन हो रही है अगर तो कर दो, अदरवाइज सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट योर आंसर। कैलकुलेशंस चेक कर लेना, वेल तो इंडिकेशन हो गई ना, मैम लिख रहे हैं, लिखने दो, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो, हमारे लिए पीरियड ओवर है ना, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट। लंच कर लो पहले, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।